देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनकर के तैयार हुई है, बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनकर के तैयार हुई है। आप इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाएं, मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाई है, आप भी इस तरीके से बनाएं और देखें मैंने ये सब्ज़ी कैसे बनाई है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे किचन ब्लॉग। आज मैं फिर साथ में एक नई रेसिपी के साथ आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, जो मैं अलग तरीके से बनाऊँगी। जिसके लिए मैंने आधा किलो कद्दू लिया है 500 ग्राम, जिसे मैंने काट लिया है, वो धो के रख लिया है। ये मैंने एक टमाटर लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, ये 4 हरी मिर्चियाँ ली हैं। अब हम इनका पेस्ट बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर दोस्तों मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक का पेस्ट बना लिया है। मसालों में मैंने ये लाल मिर्ची ली है, एक छोटा चम्मच है, इसमें ज़्यादा लग रही है लेकिन एक छोटा चम्मच ही है। ये धनिया पाउडर है, जो 2 छोटे चम्मच है। ये आमचूर पाउडर है, आमचूर पाउडर से मतलब खट्टा मीठा बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं आमचूर पाउडर भी ले रही हूँ। कद्दू में तो आमचूर पाउडर डलता ही है, खटाई अगर आम की खटाई हो तो आम की खटाई डाल सकते हो आप। ये आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला है, मेथी दाना है, मेथी दाने में मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, इसमें समझ में नहीं आ रही है लेकिन हींग इसमें है। और ये 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है। मैंने सारे मसाले ले लिए हैं, अब चलते हैं बनाने की ओर। जिसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई हुई है, इसमें अब हम डाल लेंगे तेल। मैं खाने में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, आप जो चाहें वो तेल डाल सकती हो। मैंने तेल डाल लिया है, अब इसे हम गर्म होने देते हैं। कद्दू को ना मेथी दाने में बनाओ तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादातर कद्दू मेथी में ही बनता है, इसलिए हम इसमें मेथी का ही तड़का डालेंगे लगाएंगे। अब देखिएगा बहुत ही टेस्टी कद्दू बनकर के तैयार होगा। अगर आपको मेरा आप अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना और हींग, चटकने देते हैं। फिर हमने जो पेस्ट बना के रखा है उसे डालेंगे, हम इसमें लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं। अगर आप लहसुन प्याज डालो तो इसी स्टेज पे आप मतलब मेथी दाना डालने के बाद इसमें लहसुन प्याज भून सकते हो, फिर उसके बाद जो पेस्ट बनाया उसे डाल सकते हो, लेकिन मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ तो मैं सीधा पेस्ट ही डालूँगी। ये जो मैंने पीस के रखा है ये डालूँगी। हल्का भून गया है, अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला। आमचूर पाउडर हम अभी नहीं डालेंगे, आमचूर पाउडर हम जब कद्दू हमारा गल जाएगा ना तब डालेंगे। इसमें थोड़ा भून लेते हैं, इसमें हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये देखिए दोस्तों, मसाला हमारा भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कद्दू काट के रखा है वो। जो हम अच्छे से मैंने कद्दू को मसाले में मिक्स कर लिया है। हरी सब्जियों में पानी हरी सब्जी के अकॉर्डिंग डाला जाता है, क्योंकि हरी सब्जियां पानी रिलीज करती हैं, इसलिए पानी बहुत ही कम मात्रा में इसमें डालेंगे, बहुत ही कम, मतलब 2-4 बूंदें ही डाले, मतलब 2-4 चम्मच डाल दो बस, इतना बहुत है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसे ढक के पकने देंगे। हम इसे स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा, क्योंकि पानी हमने कम डाला है ना, हम धीरे धीरे पानी रिलीज करेंगे। हमने इसे ढक दिया है, अब इसे हम पकने देते हैं, फिर हम आपको बीच बीच में बताते हैं कि क्या करना है। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे इसे हम। ये देखिए दोस्तों, मैंने कितना कम पानी डाला था और कितना ज़्यादा हो गया है, लेकिन
कद्दू हमारा बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो रहा है। अब देखते रहिएगा, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, कद्दू हमारा हल्का पक गया है। अब हम इस स्टेज पर ये आमचूर पाउडर डालेंगे इसमें, और इसमें हम डालेंगे मिठास के लिए 1 चम्मच चीनी। अब इसे हम मिलाएंगे इसमें अच्छे से। बहुत ही अच्छा कद्दू बनकर के तैयार होगा। अब देखते रहिएगा लास्ट तक। हमने चीनी और आमचूर को मिला लिया है। अब हम इसे 5 मिनट और ढककर पकने देते हैं। हमारा कद्दू बनकर के तैयार हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी बनकर के तैयार है। कितनी अच्छी सब्जी बनकर के तैयार हुई है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती, इसे मिला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया सब्जी बनकर के तैयार हुई है। गार्निश के लिए भी हम थोड़ा धनिया पत्ती डाल देंगे। अब देख ही सकते हो, बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनकर के तैयार हुई है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी सब्जी कैसी बनकर के तैयार हुई है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।